दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे मोना 2 के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म के अब तक के टोटल इंडियन नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये फिल्म सन 2016 में आई फिल्म मोना की सीक्वल है। ये एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में मोना की वॉइस को ओली क्रवालो ने दिया है तो माओ की वॉइस को ड्वाइन जॉनसन ने दिया जिसे हम रॉक के नाम से जानते हैं। बात करें रनिंग टाइम की, दोस्तों ये फिल्म 1 घंटे 40 मिनट लंबी फिल्म है। इस फिल्म को लगभग 1000 स्क्रीन के साथ इंडिया में लगभग 29 नवंबर में रिलीज किया गया है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में इस फिल्म को 27 नवंबर को रिलीज किया गया है। वहीं बात करें कलेक्शन की, दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 2,85,00,000 का नेट कलेक्शन किया था तो अपने दूसरे दिन में 4,70,00,000 का कलेक्शन किया था और तीसरे दिन मैंने संडे के दिन में थोड़ा सा ग्रोथ करते हुए लगभग 5,30,00,000 का कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म के 3 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 12,85,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 15,40,00,000 हो चुका है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $387 मिलियन हो चुका है। अगर इंडियन रुपीस में देखें तो लगभग 3,252 करोड़ होता है। आपको बता दूं कि फिल्म का बजट लगभग $150 मिलियन है। अगर इंडियन रुपीस में देखें तो लगभग 1,270 करोड़ होता है। और अब तक के कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में सिर्फ 5 दिनों में एक क्लीन हिट साबित हो चुकी है। फिल्म के जैसे कलेक्शन दिख रहे उसे देखकर लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। वहीं बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.1 रेटिंग मिले। वहीं बात करें दोस्तों इस फिल्म के चौथे दिन की कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने चौथे दिन में इंडिया में लगभग 2.5 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी, आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।